चलिए भाई सारे, आज जो है 24 सितंबर 24 सितंबर को मंगलवार है। हमारी दूसरी क्लास इस समय चल रही है गंधर्व। छठे गंधर्व मंडलिक स्वामी का प्रश्न चल रहा है। बहुत क्लासें बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। मैं भी क्षमा चाहता हूँ, अब पूरा भी करना चाहता हूँ। 2 4 क्लास में पूरा हो जाएगा। जैसे कि मंडलिक स्वामी ने अपना प्रश्न उपस्थित किया है और उनको समझाते हुए महावीर अपनी तरह से कह, अब ये है कि बंध और संयोग होना, अब ये तीनों की क्रिया जरूर है ऐसा। अब जो क्रिया जिसकी चल रही है, अब ये पहली क्रिया है, ये दूसरी क्रिया है और ये तीसरी क्रिया है। अब किसमें कर्म का बंध होगा? चले, अब वो बंध संबंध हम देखते हैं। नंबर एक, अब स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ जी पढ़िए। दर्शना बहन जी, कैन यू रीड दिस? स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ, स्वद्रव्य का पर द्रव्य के साथ, पर द्रव्य का पर द्रव्य के साथ, पर द्रव्य का स्वद्रव्य के साथ। हाँ बोलो हंसा बेन जी, कैन यू बिल्ड द एग्जाम्पल? कैसे पॉसिबल है? हाँ साहिब जी, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ संयोग संबंध होगा, संबंध लेकिन बंध संबंध नहीं होगा। जैसे एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ बंध संबंध नहीं होगा, संयोग संबंध होगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपने ये देखा, चारों डिवीजन है, समझे कि नहीं? स्व और पर, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है? इन तीनों के अंदर संयोग हो या संबंध हो या बंध हो, लेकिन दो तो होने ही चाहिए साथ। अब दो साम सामने नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो दो द्रव्य है तो दो द्रव्य कौन से होना चाहिए? क्या स्वद्रव्य दूसरे स्वद्रव्य के साथ संबंध बना लेगा, जुड़ जाएगा? मैंने एग्जाम्पल दिया, माता के गर्भ में बालक है, वहां संयोग है, लेकिन वो माता के साथ में बंध नहीं हुआ है। अगर बंध होता तो वियोग नहीं होता, भले 9.5 महीने हो जाए, चाहे 9.5 बरस हो जाए, फिर वो बालक जन्म नहीं लेता। लेकिन वहां पर क्या है? संयोग है, संबंध भी है, बंध नहीं। जीव माता के गर्भ में आया है, वहां अपनी तरह से रह करके शरीर की रचना कर रहा है, संयोग भी है और संबंध भी हो चुका है, बंध नहीं हुआ है। इसलिए वो 9.5 महीने तक अपने शरीर की रचना करने के बाद धरती पर आ जाएगा, जन्म ले लेगा। स्वद्रव्य के साथ तो कभी संभव ही नहीं है। उसमें कारण आप समझ गए, आत्मा द्रव्य के असंख्य प्रदेश अखंड होने के कारण अनंत 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 काल में एक भी प्रदेश कभी खंडित होता ही नहीं है, विभाजित होता ही नहीं है, तो कैसे बनेगा संबंध, कैसे बनेगा? इधर देखिए सर, ये हमने बनाया यहाँ पर जो है, अब ये आलू बनाया जो है, पोटैटो जिसको आप कह रहे हो, अब ये बनाया, इधर देखिए आप, अब इसके अंदर कितने अनंत जीव है। ये बटाटा जो है, पोटैटो जिसको आप बोलते हो, इसमें एक साथ में अनंत जीव है, लेकिन एक जीव दूसरे जीव के साथ बंध संबंध से बंधा हुआ नहीं है। सभी जीव अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये जो आपने देखा है, ये उसके शरीर की रचना है ना, ये जो शरीर अंदर उसका बना हुआ है बाहर से। अब जिस तरह से आपने देखा कि ये उसका शरीर है, जरूर है, शरीर तो है ये सब, लेकिन अभी शरीर के अंदर जिस तरह से ये एक साथ में अनंत जीव आ गए,
सभी अनंत जीव अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हाँ, ये जरूर एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक टच हुआ है, संयोग है ना, संयोग के कारण है। ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, लेकिन शरीर तो एक ही है और शरीर के साथ संबंध भी है, लेकिन सभी अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। जब इसमें से अलग हो जाएंगे तो कोई भी बाहर आकर के साधारण में से प्रत्येक बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनता। यदि स्वद्रव्य अन्य स्वद्रव्य के साथ मिल करके एक समान एक जैसे बन जुड़ जाए, संबंध हो जाए, तो होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, तो यहाँ आपने ये पहले के अंदर देखिए, फर्स्ट के अंदर ये भी स्वद्रव्य है और ये इसके प्रदेश है, ये भी स्वद्रव्य है आत्मा, ये इसके प्रदेश असंख्य है। अब ये दूसरा स्वद्रव्य है, अब इसके भी प्रदेश असंख्य है, क्या होगा, सब कैसे जुड़ेगा। माता के अपने आत्मा प्रदेश असंख्य है और माता के ही शरीर में ये आ गया। अब ये जीव जब यहाँ पर आ गया तो इसने अभी पहले अपने शरीर को संकुचित, आत्मा प्रदेशों को संकुचित करके रखा है, अब ये अंदर प्रवेश कर गया। तो माता के गर्भ में जगह है, वो जगह में आकर के ये जीव अपनी तरह से प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया और ये यहाँ पर धीरे धीरे अपना शरीर बना रहा है। ना तो माता के आत्मा प्रदेश के साथ बच्चे के प्रदेश जुड़ रहे हैं, ना एक हो रहे हैं, ना दोनों मिलकर के अखंड बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये अपने स्वतंत्र रूप से ये है। हाँ, ये अब जैसे जैसे अपना शरीर बड़ा बना रहा है, अब जिस तरह से ये करता जाए, ये अलग है, स्वतंत्र अस्तित्व इसने अपना रखा है और ये अपने शरीर की रचना कर रहा है। अब धीरे धीरे इसके शरीर की रचना हो रही है, तो संयोग तो होगा, संबंध तो होगा। ये संबंध 9.5 महीने के लिए, अब ये शरीर बना करके धरती पर आ जाएगा। अगर बंद होकर के एक रस हो जाता तो ये नहीं रहता। अब जब ये बाहर निकल गया और ये इधर बाहर आकर के अब इसने अपना शरीर बना लिया है और ये अपना शरीर बना करके जिस तरह से ये बाहर आ गया अपनी तरह से, अब इसने अपना आंख नाक कान सब कुछ बना लिया, शरीर की रचना कर ली और माता के प्रदेश जो जिस प्रकार जैसे थे बरोबर वैसे बने हुए हैं, कोई इसको फर्क पड़ ही नहीं रहा है। माता का अखंड बना अपने आप में है, ये आप समझ चुके हैं कि अनंत 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 काल में भी अखंड ऐसे आत्मा प्रदेशों से एक भी प्रदेश खंडित तो होना ही नहीं है, विभाजित तो होना ही नहीं। क्या होने वाला है इसके अंदर, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये बाहर आ गया, बेटा जो है जन्म लेकर बाहर आ गया, तो इसके आत्मा प्रदेश ये इसके साथ में बरोबर अखंड है। अब आत्मा की अपनी अपनी इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी ऐसी है कि जब गर्भ में था तब इतने छोटे स्वरूप में रहा, अब धीरे 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 वो भी अपना काफी का शरीर बढ़ा रहा है, तो आत्मा प्रदेश भी बढ़ रहे हैं। आत्मा प्रदेशों में इलास्टिसिटी है, वो जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन का, तो वो अपने प्रदेशों को एक्सपांड करते 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 वो भी बड़ा हो रहा है। अब हो गए सब, बच्चे को बेटा बड़ा होकर के 20 बरस का हो गया,
अब मां से भी उसकी हाइट बढ़ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाइट भी बढ़ गई, बॉडी भी बन गई, बेटा बड़ा हो गया अच्छी तरह से। लेकिन उस दिन क्या था, उस दिन माता के गर्भ में आया था। अब माता का आत्मा प्रदेश माता के पूरे शरीर में फैले हुए थे, लेकिन गर्भ जगह ऐसी है वो खाली है, सभी आत्मा प्रदेशों में माता के प्रदेश है, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो ये जीव आया, ये सेपरेट रहा है, लेकिन आप बोलेंगे संयोग हुआ है, संबंध हुआ है, बंध नहीं। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, स्वद्रव्य का पर के साथ ख्याल आया कि नहीं, और पर द्रव्य का पर के साथ होता है, रोज हो रहा है। पर द्रव्य का पर के साथ इधर देखिए संयोग भी होगा, संबंध भी होगा, बंध भी होगा। इधर देखिए ध्यान से, अब बात किसकी चल रही है, अब ये भी पर द्रव्य है और ये भी पर द्रव्य है, दोनों ही पर द्रव्य है, और इसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श समान है, इसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श समान है, क्या फर्क पड़ेगा साहब। आपने लाया समझो, ये आपने लिया है गोल्ड, और ये लिया है आपने जो है सिल्वर लिया है, कॉपर लिया है। अब ये इसके साथ मिलना है, तो ये आपने देखा गोल्ड है, और ये इसके साथ में आपको आयरन मिलाना है, तो मिल जाएगा। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, आपने दोनों को अच्छी तरह से बॉईल किया, गर्म किया को, और दोनों के परमाणु एक दूसरे के साथ घुल मिलकर मेल्ट हो गए। अब दोनों मिलकर के एक रस बन गया, क्योंकि ये भी पर है वो भी पर है, ये भी पुद्गल द्रव्य है वो भी पुद्गल द्रव्य है, ऐसे पुद्गल 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 तो अनंत 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 बार मिलते हैं, संयोग होता है, संबंध होता है, बंध होता है, जुड़ते हैं, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। अरे ये बात ध्यान में, बोलिए आशा बहन जी क्या बताया। कि आपने बताया कि जब गोल्ड है और आयरन है, दोनों पर द्रव्य है, दोनों के साथ गर्म करके उसको एक रूप बंध संबंध बनाए जा सकते हैं, लेकिन बंध संबंध उसके साथ होगा, वो एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक रूप हो सकता है। हाँ, अब ये जब दोनों मिल गए ना, तो ये आ गया इधर इसके ऊपर जम गया, अब ये आ गया इसके अंदर, तो ये भी इसके साथ में घुल मिल करके एक रस बन गया, कोई नाम नहीं है ऐसा, दोनों ही पुद्गल पुद्गल है, खाली वर्ण गंध रस स्पर्श थोड़े अलग अलग प्रकार के थे। अरे भाई आयरन ब्लैक है तो ब्लैक भी वर्ण ही है ना, गोल्ड येलो है तो वो भी वर्ण ही है, आखिर तो वर्ण वर्ण के साथ मिलकर के एक बन गए, बनते हैं बनेंगे। तो ये इनका मैच हो रहा है बरोबर, और क्यों हो रहा है ये ध्यान दे करके बताना है आपको। बोलिए जैन साहब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए मैं, नागराजी बोलना है आपको, हाँ सर, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य में और पर का पर के साथ में फर्क क्या लग रहा है। स्वद्रव्य पर द्रव्य में मिक्स नहीं हो सकता मेरा सर, पर द्रव्य पर द्रव्य के साथ मिल सकता है। कारण कारण बोलना है, बोलिए। जैसे आपने बताया गोल्ड को आयरन के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि मिल सकते हैं लेकिन कर्म नहीं बन सकते, दोनों पुद्गल के हैं और वर्ण गंध रस स्पर्श। मुख्य कारण स्व का स्वद्रव्य के साथ क्यों नहीं होता है, पर का पर के साथ क्यों हो रहा है, बोलिए सीमा बहन जी। स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ तो संयोग होगा, संबंध, लेकिन बंध नहीं होगा, क्योंकि स्वद्रव्य कभी आत्मा के प्रदेश अखंड रहते, बिखरते नहीं और जुड़ते जुड़ते नहीं एक दूसरे से,
और पर द्रव्य का पर द्रव्य के साथ बंध संबंध होगा क्योंकि पुद्गल के परमाणु खंडित हो सकते हैं, बिखर सा प्रदेश और उनका खंडित हो सकते हैं। बरोबर। देखा आपका सीमा बहन जी का फर्स्ट नंबर आया। अब ये देखिए, ये परद्रव्य है। अब ये परद्रव्य में ये गोल है। अब इसके ये प्रदेश है और इसके प्रदेशों में से आपने देखा कि ये इसके प्रदेश बाहर निकल गए। अभी है तब आप क्या करेंगे, ये प्रदेश है, अब ये बाहर निकल गए, परमाणु बन गए सब। और ये आपने देखा इधर जो है ये आयरन है। अब ये इसके प्रदेश है, अब ये प्रदेश जैसे इसके है तो ये भी प्रदेश स्वरूप है और इसके भी परमाणु बाहर बिखर के अलग हो गए सब। क्यों अलग हो गए, इनका गुणधर्म यही है, भूतगल के प्रदेश बिखर के अलग होना, ये उनके गुणधर्म में है। अब ये आपके इसलिए अलग हो गए और इसके भी अलग हो गए, तो दोनों को कोई तकलीफ ही नहीं है सर। आप मिलाते जाओ, अब सब इसके प्रदेशों को बाहर निकालिए, इनके सब प्रदेशों को निकालते जाइए, अब फिर इनको निकाल करके इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते जाइए। अब ये दोनों मिल करके एक रस बन गए यहाँ पर। अब ये इसके प्रदेश बिखर गए और इसके भी प्रदेश बिखर गए, अब दोनों मिल करके एक बन गए। हाँ मथिन, साहब जी आत्मा को सद्रव्य क्यों कहेंगे? स्वद्रव्य कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, स्व से भिन्न पर को कहेंगे, पर से भिन्न स्व को कहेंगे। स्वयं अपना मैं आत्मा हूं, अब मैं किसके लिए लगेगा, स्वयं के लिए लगेगा। बस। अब यहाँ क्या हुआ, ये दोनों क्यों एक हो गए, अब ये दोनों एक तो हो गए, अब इसमें क्या हुआ, संयोग भी हुआ है, संबंध भी हुआ है और बंध भी हो गया है। लेकिन क्या इसको कर्म संज्ञा देंगे आप, बोलिए पम्मी बहन जी बोलो। नहीं महाराज साहब, कर्म नहीं बना। हाँ, अब आपने इसको दोनों ही पुद्गल पुद्गल द्रव्य मिले, कर्म संज्ञा नहीं दे सकते हो, अब कैसे देंगे आप इसको, अब क्या उदय में आएगा, किसको दुख आएगा, किसका आयुष्य है, कर्म संज्ञा नहीं बनेगी। पुद्गल पुद्गल द्रव्य मिल गए लेकिन कर्म संज्ञा नहीं बनेगी। चले तो कर्म संज्ञा बनने के लिए अब दूसरा चाहिए या चौथा चाहिए, अंशा बेन बोलो, दूसरे चौथे में दोनों में क्या फर्क है। हाँ साहिब जी, दूसरे में जो कौन किसके साथ बनता है तो वो आत्मा के साथ कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु बंधते हैं, लेकिन वो कर्मण वर्गणा के चौथे में पर के साथ स्व नहीं बनता, क्योंकि कर्मण वर्गणा के साथ आत्मा नहीं बंधती। आप जरा फिर से सोच लो, चार सेंटेंस हो गए लेकिन आप सोच लो। मनीषा बहन जी आप क्या इनका सुधारणा कराएंगे? कोशिश तो गुरु जी स्व, क्योंकि गुरु जी स्व का पर के साथ स्व ही पर को खींचता है, इसलिए वो कर्म बनेगा और पर स्व को नहीं खींचता चौथे में। वेरी गुड, बहुत आज आपका फर्स्ट प्राइज आया। करो स्व पर में क्या फर्क है, अब ये आपको देखना है, क्योंकि पर जो है वो स्व के साथ जा रहा है कि स्व पर को खींच के ले रहा है। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला है कि ये स्व चल रहा है और इधर ये पर, इधर पर है और इधर स्व है, ये बात बन रही है सर। तो पर के साथ मतलब क्या है, इधर ये पर द्रव्य निष्क्रिय है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, अब ये अपने आप में निष्क्रिय है,
ये अपने खुद होकर जा करके चिपक करके कर्म बन जाएगा, या आत्मा उसको राग द्वेष से ग्रहण करके लेकर के फिर कर्म बनाएगी, क्या होगा? बोलिए पमी बहन जी, समझ में आ रही है बात? पर द्रव्य जो कर्मण वर्गना है वो निष्क्रिय है, और आत्मा है तो वो राग द्वेष करके पर द्रव्य को खींचती है और कर्म बनाती है। अब ये दूसरा और चौथा दो है, तो चौथा जितना सही नहीं है किसके लिए? संयोग संबंध और बंध कहलाया। तो यहां पर क्या चौथे में, चोड़िया जी ध्यान से समझ लेना, चौथे में संयोग भी हो जाएगा, संबंध भी होगा, बंध नहीं होगा। दूसरे में स्वयं कर्ता आत्मा है, वो जाकर पर के साथ संयोग बनाएगा, संबंध बनाएगा, बंध करेगा, तब कर्म बनेगा। कर्ता कौन है? कर्ता जो अंदर है वो स्वद्रव्य आत्मा ये करता है। कर्ता के बिना कर्म कैसे बनेगा? और इधर पर है तो ये कर्ता नहीं बन रहा है, पर खुद चला करके कौन आएगा? आपके घर मेहमान आएंगे तो कोई जीव ही आएंगे ना, चाहे वो रिश्तेदार आपके जो भी हो या नहीं भी हो, लेकिन ये तो नहीं आएगा, पर तो नहीं आएगा, पर आपके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, पर आपके घर आकर के मेहमान बन करके बोले मैं भोजन करने बैठता हूँ, आप नहीं करा सकते हो साथ। यहाँ पर इन दोनों की बात ही है। तो चार में से ये तीसरा है, दूसरा जो है ये खुद होकर के स्व आत्म द्रव्य। अब ये हो गया सर, तो ये जो है आत्म द्रव्य स्वद्रव्य, अब इसकी योग्यता इसके पास क्या है? कर्म कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को कर्म बना करके आत्म प्रदेशों पर चिपका कर रखने की योग्यता इसके पास। आगे बात समझ में? बोलिए दर्शना बहन जी, बोलो। महाराज साहब नहीं बोली शकू, अच्छा, सॉरी, चलिए। आई आई डोंट अंडरस्टैंड, आई नो इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। नॉट नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, नॉट, आप ध्यान दीजिए, बरोबर आप भी बोलेंगे, कोई बात। प्रमोद जी बोलिए आप। महाराज साहब, जो ये कार्बन वर्गाना के पुद्गल परमाणु है, ये आत्मा प्रदेशों पे चिपकने की क्षमता है बता रहे हो? चिपकने की क्षमता बाद में, रखने की क्षमता के लिए आत्मा के पास क्या है? क्योंकि आत्मा के अंदर आने वाले कार्मिक एटम अनंत है। चूड़िया जी, आपके पास घर इतना बड़ा है कि 500 हजार लोग आके रह जाएंगे? जी नहीं महाराज। अरे मुश्किल से 2-5 जने आएंगे वो रह सकेंगे। अब 500 हजार जने आएंगे आपके पास, कहाँ 1,200 स्क्वायर फीट में कहाँ रहेंगे? आत्मा ने अपने पास इतनी बड़ी कैपेसिटी रखी है कि भाई तू चिंता मत कर, मेरे प्रदेश असंख्य ही है, लेकिन मैं अनंत कार्बन वर्गना को अंदर रख सकता हूँ, इतनी बड़ी जगह है मेरे पास। बोलिए भाई साहब, आपके पास 2,000 स्क्वायर फीट होते हुए 500 हजार को नहीं रख पाओगे, और इसके पास इतने से आत्म प्रदेशों के अंदर असंख्य प्रदेश है, किसी के भी पास प्रदेश कम तो है ही नहीं, ज्यादा भी नहीं है, अनंत 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 आत्माओं में एक शरीर की समानता इस बात की भी पूरी है। महावीर स्वामी के पास भी अनंत नहीं है, अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी महाविदे में उनके पास भी प्रदेश अनंत नहीं है। अब मैं आज जाकर सिमंदर स्वामी को कहूं कि हे भगवान, मैं तो भरत क्षेत्र से आया हूं, मेरी तो 5 सवा 5 फुट की काया है, आपकी तो 2,000 फीट की काया है, तो भगवान मेरे प्रदेश अगर असंख्य तो आपके तो कितने अनंत होंगे।
सीमंदर स्वामी उत्तर देंगे, नहीं भाई साहब, मेरे भी अनंत नहीं है। तो भगवान, आपने तो इतनी बड़ी 2000 फीट की लंबी काया कैसे बनी? इतना बड़ा तो लंबा शरीर है आपके पास, तो नहीं कैसे होंगे? नहीं नहीं भगवान, वो नहीं चाहिए, आपके पास तो अनंत ही होंगे सब। अब क्या उत्तर देना मनीष बहन जी, बोलो सिमंदर स्वामी क्या देंगे उत्तर? सिमंदर स्वामी तो वही बोलेंगे, गुरु जी आत्मा तो सबकी सेम है, आत्म प्रदेश की संख्या असंख्य ही सबकी। अब आज आपका प्राइस गया, अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, वो भी चला गया। बोलिए आशा बहन जी, क्या उत्तर देंगे सिमंदर स्वामी? कि मेरे पास जितने आत्म प्रदेश है उतने ही आत्म प्रदेश आपके पास भी है। आपका भी प्राइस गया। चलो चोरडिया जी, आपको क्या उत्तर देना? नहीं, सद्रव्य क्या, सद्रव्य के साथ मन संबंध नहीं होगा। अभी इधर उधर मत जाओ, नहीं तो डबल पनिशमेंट आ जाए। बोलिए प्रमोद जी। हाँ हमारा सब आत्मा के प्रदेशों पे संकोच विकोच का गुणधर्म है, इसके लिए। बस देखो, आज प्रमोद जी का फर्स्ट नंबर आया भाई। प्रदेशों का एक्सपांशन करने का उसका गुणधर्म है, हर एक आत्मा में है। तो मेरी 500 धनुष मतलब 2000 फीट की हाइट वाली इतनी बड़ी बॉडी जो मेरी है, शरीर बना है, तो मेरे कोई प्रदेश नहीं बने हैं। आत्मा प्रदेशों ने अपना एक्सपांशन करके शरीर में विस्तार फैलाया है, और कुछ नहीं हुआ है। प्रदेश नहीं बड़े हैं, प्रदेश तो जितने हैं उतने ही है। तो जितने कर्म मुझे यहाँ बंध सकते हैं, अनंत कर्म वर्गणा लेकर मैं एक छोटा सा जीव भी बांध सकता हूँ। चींटी भी बांध रही है, एक चींटी भी इतनी है छोटी सी है, वो भी अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ही एक साथ लेगी तो ही कर्म बंधेगा। और महाविदेह के अंदर कोई भी इस समय 2000 फीट की हाइट वाले, 500 धनुष की काया वाले, वो भी उतने ही अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेके वो भी कर्म बांधेगा। कर्म का बंध दोनों को सरीखा हो रहा है। मैंने भरत क्षेत्र में यहां रह करके मैंने जो पाप किया और मुझे जो कर्म बंधा, उसमें भी अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने ही आए। महाविदेह में किसी ने रह करके वहां पर अगर उसने अपनी तरह से कर्म बांधा है, तो अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर उसने भी कर्म बांधा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। एक चींटी मकोड़े ने बांधा है, उससे छोटे में चले जाइए, एक जो है बोले एक अजवाइन का एक छोटा सा बीज है, उसमें एक जीव है, उस जीव ने भी अनंत कार्बन वर्गना ही लेकर के शरीर बांध, अरे कर्म बांधता है। दिखाई दे रहा है आपको तिल, दिखाई दे रहा है सरसों, दिखाई दे रही है आपको अजवाइन, दिखाई दे रहा है जो भी है, बस वो उसके अंदर उसके हिसाब से रह रहा है, है बस उसके हिसाब से। तो उस वो भी तो कर्म बांध ही रहा है, उसको भी आनंद ही लेता है एट ए टाइम। अब मतलब दो बात अलग अलग हो रही है, इधर ध्यान देना। असंख्य प्रदेशों के पास अनंत कार्बन वर्गना को रखने की इतनी जगह है। नंबर दो, आत्मा के पास बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेने की, खींचने की पूरी राजवेश की ताकत है। नंबर तीन, आत्मा अपने राजवेश कषाय से अपने अंदर इतनी चिकनाहट पैदा करती है कि इस अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को अंदर लेकर के चिपका करके बंद करके कर्म बना ले। जरा आपने कंस्ट्रक्शन देखा है, आपके पड़ोस में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता हो, सीमेंट भी है, कंक्रीट भी है, रेती भी है, स्टील भी है, ये चारों ही घटक हैं। अब सीमेंट के एटम्स है, कंक्रीट तो अपने आप में कंकड़ है ही है सर, रेती अपने आप में अलग है, स्टील अपने आप में अलग है, उनके सबके एटम्स नहीं है, उनके सबके स्कंद है। थोड़ी थोड़ा ध्यान देना, कोशिश कर ले। लेकिन सीमेंट के एटम्स जो बने हैं सा,
अब जैसे ही आपने उसमें पानी डाला, घोला, और फिर उसके बीच में रेती कंक्रीट डाल करके स्टील को बीच में रख करके आपने से डिजाइन के अंदर सेट कर दिया, तो इस सीमेंट के अंदर इतनी ग्रिप है, इतनी ताकत है कि वो सबको अपने अंदर बांध करके पकड़ मजबूत बना करके रह रहे। किसकी ताकत है? आयरन की नहीं, कंक्रीट की नहीं, रेती की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की इतनी ताकत है। क्यों भाई साहब, कंपनी वाले, बिरला सीमेंट वाले, जेके सीमेंट वाले, वो ये क्यों नहीं कहता है कि आयरन की ताकत ज्यादा है, कंक्रीट की ताकत ज्यादा है, सैंड की ताकत ज्यादा है, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे भाई साहब, उसमें वो मैन बिरला कंपनी सीमेंट बनाती है, वो स्टील नहीं बना रही है, वो कंक्रीट नहीं बना रही है, वो रेती नहीं बना रही है, वो सिर्फ सीमेंट बना रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, ये तो हमने सीमेंट बताया, अब क्यों बनाया, क्या ताकत है? थोड़े इतने हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया है, गर्म किया है, तपाया है, पत्थर का पाउडर करके इतने हाई टेम्परेचर पर उसको तपाया, वो जैसे पानी पकड़ेगा और उसमें जो डालोगे सब पकड़, वो पकड़ जाएगा। वो क्या हुआ? पहले संयोग हुआ, अब संबंध हुआ, अब उसके बाद बंध होगा। ध्यान दीजिए, मिक्सर करते हैं उसमें संयोग हो रहा है, और फिर जो है एक दूसरे में घोल रहे हैं तो वो संबंध हो रहा है, और जब वो कॉलम या बीम जो है सॉलिड बनकर खड़ा हो जाएगा तब उसको बंध कहेंगे। बंद ने क्या किया है? सीमेंट के एक-एक एटम ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर अब उसको पकड़ के जकड़ के रखा है, ये विशेषता थी। अगर ये सीमेंट की ताकत नहीं होती तो भाई साहब पूरी रेलवे जिस ब्रिज के ऊपर से जा रही है और ब्रिज बनाया है, कॉलम लिए हैं उसके समुंदर के गहराई, समुंदर के नीचे जो जमीन है उसके अंदर जाकर के सीमेंट से जोड़ करके उसकी ताकत बनाई, तब एक समुंदर की लहरें रोज थपेड़े लगाते हुए भी उस कॉलम को तोड़ नहीं पा रही है, और एक नहीं 22 किलोमीटर का अटल सेतु यहाँ बना है, अब उसके ऊपर से रोज कई ट्रकें पसार हो रही है साहब, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वहां पर ये विश्वास जो सीमेंट के ऊपर है वो नहीं होता तो कैसे होता, बताइए आप? और सीमेंट के परमाणुओं को इतने सॉलिड बनाए, तो आत्मा ने क्या कहा है कि मेरे असंख्य प्रदेश है, मेरे पास रखने की जगह है, मैं रख लूंगा सब। कितने को रखोगे आप? दो चार मेहमान को? ये कह रही आत्मा, कह रही मैं अनंत कार्बन वर्गना के परमाणुओं को अपने अंदर समा सकती हूँ, मैं सबको रख लू, उनको जगह देनी पड़ेगी, जगह देंगे। अब ये जगह देना बाहर से आए तो संयोग हुआ, आत्मा प्रदेशों के पैरेलल चले तो उसको संबंध कहा, अब आत्मा प्रदेश उसको अपने राग द्वेष कसाई की जो चिकना स्टिकनेस, इतनी स्टिकी जो है चिकास बनाई, अब इनको पकड़ के रखेगी। सामने कार्बन वर्गना के प्रदेशों में भी, परमाणुओं में भी वो स्निग्धता का स्पर्श है, उस स्निग्ध स्पर्श और आत्मा ने अपने बनाए, तो अब बताइए आत्मा कर्म को पकड़ के रख रही है कि कर्म आत्मा को पकड़ के रख रही है? जैन साहब जाग रहे हो आप, थोड़ा सा ध्यान दो पहले। महाराज साहब आत्मा कर्म को पकड़े हुए है, आत्मा पुतुल के प्रमाण को पकड़े हुए है। बोलिए अब देखो आपके मित्र क्या कहते हैं, सुनो। महाराज साहब आत्मा ही तो कर्म को पकड़, आत्मा तो कर्म को पकड़ के रखी हुई है ना, भूलो ना। लो लो, देखो देखो, बदल जाएंगे, अभी बदल जाएंगे।
सुख ऐसो अंसा बहन बोलो, जब ये ऐसा ही कॉलम या बोला। बीम बंध गया है तो अब बताइए सीमेंट ने स्टील को पकड़ा है कि स्टील ने सीमेंट को पकड़ा है? कंक्रीट ने सीमेंट को पकड़ा है कि सीमेंट ने कंक्रीट को पकड़ा है? अच्छा मैं एक स्टोरी सुना दूं, जरा सुन लेना 100 मिनट। भाई साहब एक युवक ने वो इलेक्ट्रिक के खंभे को पकड़ लिया और उसके ऊपर वो खोपड़ी का चित्र लगा करके ऐसा क्रॉस किया है, बहुत डेंजरस है, उसके ऊपर लिखा है बहुत डेंजरस है। और सभी जानते हैं कि भाई अगर करंट सप्लाई हो रही है और कोई टच हो गया तो भाई साहब चिपक गया, फिर मर जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन एक युवक ने उसको ऐसे मजबूती से पकड़ के रखा है और यूं से ऊपर करके वो चिल्ला रहा है, छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ। अब रास्ते चलते राहदारी जितने आ रहे जितने जा रहे हैं, अरे ये इसको कैसे छुड़ाए हम? नहीं नहीं पापा नहीं, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, नहीं मेरे को भी लग जाएगा इलेक्ट्रिक का करंट। अरे देखो देखो ऊपर लिखा है 2500 वोल्टेज का करंट है। नहीं नहीं पापा दूर रहो दूर रहो, कोई दूर दूर से भाग रहे हैं, कोई जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ। अब क्या करना है भाई? अब जो वहां से पूरा राहदारी का रोड है, लोग हजारों लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। एक बुड्ढे अनुभवी आए, उसने देखा कि ये कोई हिम्मत नहीं कर रहे, कोई नहीं जा रहे, लेकिन है क्या? ऊपर लिखा है ये बात भी सही है, 2500 का इतना वोल्टेज का इतना करंट सप्लाई भी हो रहा है। अरे तो ये जिंदा कैसे है, ये चिल्ला कैसे रहा है? उस आदमी बुढ़े बुजुर्ग बुढ़े ने निकाला चप्पल और इसके गाल पर जोर से तमाचा लगाया, समझे कि नहीं? और जैसे ही तमाचा लगाया उसने दो दो हाथ छोड़ दिए और फिर उनके साथ बुजुर्ग के साथ झगड़ने लगा, ये क्या कर दिया आपने मेरे को चप्पल क्यों मारा? नहीं आपने मेरे को चप्पल क्यों मारा, समझे? अरे उस बुजुर्ग बुढ़े ने कहा भैया मैंने चप्पल नहीं मारा है, तुम जो बोल रहे थे छुड़ाओ छुड़ाओ बचाओ बचाओ, ये मैंने आपके हाथ छुड़ा दिए। क्या किया बोलिए, सही किया कि गलत किया? सही किया मार अरे साहब, भाई साहब, वो तो बोल रहा चप्पल क्यों मारी चप्पल हाँ वो बोल रहे हैं चप्पल क्यों मारे, बुजुर्ग क्यों बोल रहे हैं चप्पल मारना नहीं था मुझे, तुमको छुड़ाने का तरीका अपनाया मैंने। अरे भले मूर्ख, जब इतना हाई वोल्टेज का करंट अगर आता तो तुम चिल्लाते कैसे? तुम जिंदा रहते क्या? तो ये क्या हुआ था यहाँ पर, ये बंद हुआ था कि संबंध हुआ था? सबन संबंध हुआ था कि संयोग हुआ था? बोलो बोलो दर्शना बहन जी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। संयोग हुआ था, संबंध हुआ था, पर बंध नहीं हुआ था। वेरी गुड, अब आप समझ गए बंध में क्या होता है। संयोग होता तो कार्मिक एटम्स भी छूट जाते, संबंध होता तो भी निकल जाते साथ, वो बंध के नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्मिक एटम्स आत्मा के अंदर आए, आत्मा ने खुद में होकर खींच करके अंदर लिए, ये कौन सा रास्ता है? बोले सीमा बहन जी, बड़े सीमा बहन जी है। अश्रु हाँ वेरी गुड, ये आश्रव है। अब ये आश्रव से लेकर के अब ये संबंध, और संबंध के बाद बंध। संबंध में मजबूती नहीं है, बंध में मजबूती से ये जब पकड़ मजबूत हो गई ना, अब ये बन गए कर्म। अब छुड़ाओ है किसी की ताकत है? ये कर्म अब जो आत्मा के साथ बन गए, अब ये सितने कोड़ा कोड़ी सागरों पंथक है। अब ये बुजुर्ग अगर वहां सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाए महाविदे में, और वहां जाकर के भगवान छुड़ाओ
छुड़ाओ मेरे ये कर्म, छुड़ाओ, आप ही मेरे कर्म क्षय कर दो, आप ही मेरे कर्म निकाल दो बाहर बाहर। सिमंदर स्वामी कहेंगे मेरा काम नहीं। वो जो बुजुर्ग ने चप्पल उठा करके उसको मारा, तब जा करके उसके हाथ छूटे। सिमंदर स्वामी ने कहा मैं समो सर में देशना दूं, उसमें आपको अंतिम सत्य समझा दूं, अब उस पर खुद आप जो है यथा प्रवृत्ति करण अपूर्व करण करो, ये सित्तेर कोड़ा कोड़ी की बंद स्थिति वाले कर्म आज छूट जाएंगे। मैं नहीं छुड़ा सकता हूं, मैं आपके आत्मा प्रदेशों में अंदर घुस नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जो वचन देशना दूं वो शब्द आपके कान में जाएंगे, वो आपके अंदर घूमेंगे, उसके आप भाव परिणाम बनाओ, उससे आप ग्रंथि भेद करने का पुरुषार्थ करो, देखो आपके छूटते हैं कि नहीं। बिल्कुल छूटेंगे। नहीं भगवान, ये कैसे संभव होगा? सित्तेर कोढ़ा कोढ़ी साकरो पंकी टॉप को साहिष्ट बंद स्थिति के बंधे हुए कर्म है, कैसे छूटेंगे? कैसे होगा भगवान, ये कैसे छूटेंगे, कैसे होगा? अरे भाई जरूर होगा, आप बेफिक्र रहो, सिर्फ आप ये करने की कोशिश करो ना। ध्यान में लीजिए मंडलिक स्वामी के दो दो पॉइंट, कर्म का संयोग आत्मा के साथ होता है तो वियोग भी होता है कि नहीं होता है? जब संयोग होता है तो उसका वियोग क्यों नहीं होगा भाई साहब? ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। क्या है अब दोनों प्रश्न है, ये मंडलिक स्वामी जी अपनी तरह से संयोग तो स्वीकारने को तैयार हो गए, वियोग स्वीकारने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या हो गया, क्यों मनाई क्यों कर रहे हो आप? जिस तरीके से संयोग किया है आपने, कर्म बांधे हैं, करो, अब वियोग भी होगा, नहीं कैसे होगा, जरूर होगा। बोलिए किसका वियोग होगा? आत्मा प्रदेशों का वियोग होगा या आत्मा प्रदेशों से कार्बन परगना के पुद्गल परमाणुओं का वियोग होगा? किसका होने वाला है मीना आत्मा बहन जी? हाँ बोलिए। के कार्बन वर्णना के पुद्गल परमाणु के वियोग। हाँ, आत्मा के प्रदेश तो बिखर के नहीं जाएंगे, आत्मा प्रदेश बाहर नहीं जाते, वो तो अखंड है, वो क्यों जाएंगे? एक भी आत्मा प्रदेश बाहर नहीं जाते, आत्मा प्रदेश की निद्रा नहीं हो रही है, आत्मा प्रदेशों पर चिपके हुए बंधे हुए कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणुओं की निद्रा हो रही है, वो बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं वो, क्यों बिखर रहे हैं? वही तो बाहर से आए थे, वही जाए, आत्मा के प्रदेश आए भी नहीं थे, जाएंगे भी नहीं। आत्मा के प्रदेश पहले भी नहीं बिखरे थे, अभी भी नहीं बिखरेंगे, अनंत काल पहले भी अखंड ही थे, आज भी अखंड ही रहेंगे, क्यों जाएंगे? आत्मा प्रदेश नहीं जाते हैं। कितनी बड़ी विशेषता की बात है, ध्यान में लो। मेरे को समय लगता है क्या, मैं वो पॉइंट पकड़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उठाने की बोलाने की, इसमें समय चला जाता है, आप पकड़ पाते हो यही बड़े, क्योंकि थोड़ा सा भी छोटा छोटा पॉइंट जो है बड़ा महत्व का होता है, इतनी सामान्य बात नहीं है भाई साहब। ख्याल आया कि नहीं? आप बहुत कोशिश करिए, आप पूरी कोशिश करिए पकड़ने की, बात को पकड़ने की पूरी कोशिश, और शब्द इधर उधर नहीं हो जाने चाहिए, बस इतनी सी मेरी विनती है। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, मैं सो नहीं रहा था, मैं सुन रहा था आपको थोड़ा हाथ अरे बंद हाँ जी, अच्छा करके। मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। महाराज साहब, आप जो बोला है सब और प्र का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम आपके पुरुषार्थ को पूरा ग्रहण कर रहे हैं, और हमें समझ आ रहा है। हमें समय की चिंता मत कीजिए महाराज साहब, हमें समझ में आ अरे रहा फिर है। समय की चिंता करनी है, अब 4 क्लास बची है, 300 हो जाएगी। महाराज साहब, मैं हमें समझ आ रहा है, यही बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी हाँ जी, बस बस बस, ये जो जहां मेन पॉइंट आते हैं, टिपिकल पॉइंट आते हैं, लॉजिक चलता है, सब्जेक्ट चलता है, पदार्थ बनते, वो पकड़ना है।
उसको आप नहीं बोलेंगे बस। हाँ जी बोलिए कांतिलाल जी, बोलना है पूछिए। हाँ बोलिए आप। की चिकनाहट और परमाणु की शीघ्रता, दो पॉइंट आपने दिए बंद के लिए, तो उसमें मेजर रोल किसका? मेजर रोल जो है आत्मा की, कार्बन आत्मा का। राग्वेश की चिकना है, क्योंकि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में तो स्निग्ध स्पर्श जो है वही है, उसमें कम ज्यादा नहीं होते। आत्मा के प्रदेशों में जब कषायों की तीव्रता मंदता जितनी होगी उस हिसाब से वो उसको पकड़ेंगे। मैंने अभी आपको क्या एग्जाम्पल दिया, सीमेंट में और कंक्रीट में और स्टील में किसमें है वो ताकत, तो वो ताकत सीमेंट में है। आत्मा प्रदेशों में जितनी राग द्वेष की तीव्रता बढ़ेगी वो उतने मजबूती से उसको पकड़ लेंगे साथ, ये समस्या है। हाँ बोलिए मनीषा बहन जी बोलिए। गुरु जी, जो सीमेंट होती है इसीलिए उसमें शायद चिकनाहट उसमें होती है इसीलिए वो पकड़ पाती है। हाँ बरोबर है, सीमेंट में तो सीमेंट तो पत्थर का पाउडर है, लेकिन उसको इतने हाई टेम्परेचर पर चढ़ा करके उसकी स्निग्धता बढ़ाई, तो वो स्निग्धता उसमें नहीं है, रुक्षता है, लेकिन पानी डाला है ना, जी पानी घोलने के कारण जो है वो रुक्षता स्निग्धता में बदल गई, वो तब जाकर पकड़ेगा। पानी नहीं डालोगे तो वो सीमेंट का पाउडर भी संयोग संबंध से रह जाएगा, बंद नहीं जी करेगा, पकड़ेगा नहीं। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सर्व साधनं ते सो पंच नमो कारो सर्व पापनाशनो मंगलाणं च सर्वे सिं पर अवैम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्य जय नगर मंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्न तो चतारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्न तो दमो लोग चतारि सर्वं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्न दमो शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधान सर्वधर्म जय हम जयति सार। साहेब जी, टीका वंदन में शाता साहब मारे का। जी।